गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिए थे, 21 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट। एक पैराबोला दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी गई है। हमने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। डिफ्रेंशिएशन कर लो, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू बन करके आएंगे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले जाए, माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, मैं एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये यहाँ से हटा करके 2y डिवाइड में आ जाएगा, और बी स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2b² अपॉन ए स्क्वेयर एक्स बाय वाई। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो माइनस तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमने निकालनी है, पॉइंट दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 80² एंड वाई इक्वल टू 280। तो डी वाई स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा हमारे पास, एक्स की जगह लिखना 80² और 280। तो देखिए ए से ये कैंसिल हो गया, टी से ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 20² t अपॉन 2a². तो ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं इस पॉइंट पर। Thank you.
तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, वो बन जाएगा माइनस टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर टी। अब हमने इक्वेशन निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट इज क्या बनेगी, वाई माइनस वाई नॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल लें यहाँ पर, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई करवाना चाहे मल्टीप्लाई करवा ले, टू ए स्क्वेयर वाई प्लस माइनस टू ए क्यूब टी बी स्क्वेयर टी एक्स ए बी स्क्वेयर टी क्यूब। तो देख ले किस फॉर्म में है आंसर, आंसर दिया टी इंटू वाई ए टी क्यूब एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर। तो ये हमने डिफरेंशिएशन करके इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, कोई मिस्टेक ना हो ये चेक कर ले एक बार दोबारा से। ये इक्वेशन दी हुई थी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन किया 2x डिवाइड बाय ए स्क्वेयर 2y dy बाय dx अपॉन बी स्क्वेयर, इसको उधर लेकर के चले गए माइनस का हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2y डिवाइड में आ गया बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई में हो गया, ये वैल्यू आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। अब इस पॉइंट पे जो पॉइंट उसने दिया था उस पॉइंट पे हमने निकाला ए टी स्क्वेयर और टू ए टी, ये था पॉइंट ए टी स्क्वेयर और टू ए टी। तो एक्स की जगह पर हमने ए टी स्क्वेयर रखा, वाई की जगह पर टू ए टी रख दिया, तो जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल करा, तो यहाँ से बी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन टू ए स्क्वेयर, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया इस पॉइंट पर, ऐसे स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाल ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई माइनस वाई नॉट, ये वाई नॉट है, इंटू यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक्स माइनस एक्स नॉट। ये मल्टीप्लाई करवा दी यहाँ पर, तो हो गया टू ए स्क्वेयर वाई माइनस टू ए क्यूब टी तो ये इक्वेशन हमारे पास बन करके आई, जो पीछे आंसर में
ये बाय मिस्टेक लिए हमने 24th क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी और बाकी क्वेश्चन कर दिया फिर 22nd। तो ये मैं 24th क्वेश्चन कर देता हूँ, इसको 22nd नहीं है, ये 24th क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो 24th में 24th क्वेश्चन में x इंटू एक्स नोट, एक्स की वैल्यू है एक्स नोट, ये दिया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन, ये नहीं था यहाँ पर, ये बाय मिस्टेकली हमने गलती से कर दिया। तो देखें एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट, और ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो अब निकाल लेंगे इक्वेशन। ये 24वां प्रश्न हमने कर दिया था 22वें की बजे, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये इक्वेशन 24th क्वेश्चन की, मल्टीप्लाई कराना चाहे मल्टीप्लाई करा ले, ये हो जाएगा y y नॉट a स्क्वेयर को यही रहने दो, y नॉट के लिए उसको लिया सिर्फ y नॉट स्क्वेयर, और यहाँ से b स्क्वेयर को डिवाइड में भेज दो, x x नॉट स्क्वेयर और a स्क्वेयर यहाँ डिवाइड में है। तो ये हमने लिख लिया y माइनस वाई नॉट बी स्क्वेयर, दोनों के नीचे बड़ा बारी बारी इसको लिख दिया। y माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर, इसको उधर भेज दे, इसको इधर ले आओ, एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, और ये उधर चला जाएगा ये इक्वेशन फर्स्ट से, जो इक्वेशन फर्स्ट से ही उसके इक्वल वन, ये बनते वन के इक्वल, x की जगह x नोट करने पर y की जगह y नोट करने पर। तो ये इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी हमारे पास y माइनस वाई नॉट, और नॉर्मल का स्लोप रख दें हम माइनस ए स्क्वेयर, इसको इधर ले आए, y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नॉट,
इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो ये था 24th क्वेश्चन जो हमने 22nd क्वेश्चन की जगह पर कर दिया था, इसलिए इसमें उल्टा पुल्टा हो गया था। हम क्वेश्चन स्टेटमेंट तो हमने लिख दी 24th की, पॉइंट लिख लिया 22nd का और आंसर चेक कर रहे थे 22nd का। ये 22nd क्वेश्चन 22वां प्रश्न। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एट द पॉइंट 80 square 280 पर हमने चेक करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट दिया है 80 square और 280। तो वाई माइनस वाई नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हमने यहाँ पर रखना है। और उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट में हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो एक्स की जगह ये पॉइंट रख देना, वाई की जगह पर ये वैल्यू रख देनी है। तो देखिए ये हो जाएगा 2a अपॉन, वाई की जगह लिखना है 280, यानी थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हमने क्वेश्चन को। y माइनस 280 x बाई टी 80, इसको इधर भेज दिया जाए तो हो जाएगा x बाई टी, ये इधर आकर के प्लस का 280 में 80 प्लस 280, तो 80 ही बचेगा। तो यहाँ से आ गया वाई इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 80। तो ये बना टोटल वाई टी या टी वाई कह लो 80 क्यूब। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये 80 है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर यहाँ स्क्वायर आया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला वही है, वाई माइनस वाई नॉट स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे हम। स्लोप ऑफ नॉर्मल है माइनस वाई अपॉन टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट
वाई टू ए स्क्वेयर टी माइनस एक्स वाई प्लस ए टी स्क्वेयर वाई। वाई की जगह पॉइंट रखना था हमने, यहाँ स्लोप निकाल दिया टाइप 280, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया सिर्फ t, तो ये हो गया टी एक्स माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब। तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस टू ए टी, टू ए टी प्लस माइनस टी एक्स तो ये इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए टी स्क्वेयर और 280 पर। तो ये था 22वां प्रश्न, नोट कर ले। प्रश्न नंबर 23 कहते ये प्रूव करें जो कर्व दिए हुए हैं वे एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे अगर ये उन कर्व्स दिए गए हैं ठीक है, तो ये एक दूसरे को राइट एंगल पे तब कट करेंगे अगर 8k स्क्वेयर इक्वल टू 1 हो जाए, अगर 8k स्क्वेयर इक्वल टू 1 हो जाता है ये तभी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे। तो देखें यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो तुम, तो ये हो जाएगा यानी यहाँ से आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y। ऐसे यहाँ से पहला यू का यू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा यू का यू पहले का डिफरेंशिएशन माइनस वाई अपॉन एक्स, तीन नंबर ये चार नंबर इक्वेशन है। अब क्योंकि If
लेट कर्व्स कट्स एट राइट एंगल, यही भी कह लो परपेंडिकुलर तो ये स्लोप, इसको आप M1 यानी फर्स्ट स्लोप नाम दे सकते हो, इसको M2 यानी कि सेकंड स्लोप नाम दे सकते हो। इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा था अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ फर्स्ट स्लोप आ गया और सेकंड स्लोप है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचा वन अपॉन टू एक्स इक्वल टू वन। अब यहाँ पर के की फॉर्म में हमने आंसर लेकर के आना है, कहा उसने एट के स्क्वेयर इक्वल टू वन होना चाहिए, एट के स्क्वेयर इक्वल टू वन। तो ये हमने प्रूव करना है। अगर हम यहां इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी k बाय एक्स k बाय वाई, तो y ऊपर आ जाएगा पॉइंट दिया, कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो ये बन गया y इक्वल टू टू के लेकिन अब y को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें थ्री एंड फोर, इसको थ्री फोर नाम देने की जरूरत नहीं, ये थ्री इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू हम x को यहाँ भेज दें तो x की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू, यूजिंग इक्वेशन थ्री, टू को यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो ये प्रूव हो गया। अगर हम ये मान के चले कि ये राइट एंगल पे कट करते हैं तो ये प्रूव आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये तभी राइट एंगल पे होगा जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये था 23rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25,
कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, तो ये गिवन कर्व है y इक्वल टू अंडर द रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ले पहले, यानी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डायरेक्ट कर लो या पहले ये स्क्वायर हटा करके रूट हटा करके स्क्वायर बना लीजिए, अब कर दें अब थोड़ा इजी रह जाएगा। स्लोप ऑफ द लाइन, देखो ये एक लाइन दी हुई है, ये कर्व दिया हुआ था, तो लाइन का स्लोप भी निकाल लें हम, तो लाइन का स्लोप आ जाएगा 4 - 2y - 2dy/dx इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2। कंडीशन ये दी गई है कि ये जो थर्ड लाइन है और फर्स्ट स्लोप है, सिंस कर्व एंड द लाइन आर पैरेलल, सिंस कर्व फर्स्ट एंड द लाइन थर्ड आर पैरेलल, पैरेलल है तो दोनों के स्लोप सेम हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3/4। इफ y इक्वल टू 3/4 देन बाय फर्स्ट x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9/16 प्लस 2 32 नौ 41/16 41/48 एक्स की वैल्यू आ गई 41/48, ठीक है। अब हमने निकालनी है स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट y माइनस y नॉट x माइनस x नॉट, और यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें, लाइन का ले लें या कर्व का ले लें, कर्व का आया था हमारे पास 3/2,
अब क्योंकि पॉइंट हमने लेना वाई वाला, वाई है हमारे पास 4/3, तो ये जेन 9/3/4 है, तो 2 ही हो जाएगा। तो 2 ले लो डायरेक्ट, 2 क्योंकि दोनों का सेम था तो इसलिए 2 भी ले सकते हो। सॉल्व कर ले, 2x-82/42 कैंसिल कर सकते थे, 24 हो जाए, 41/24 +3/4, तो y=2x -41 41 में से 20 घटा दे तो 21, तो -23/24, तो ये इक्वेशन बन करके आएगी इसकी। -23 तो ये 24 इधर आकर के मल्टीप्लाई 24y 48x, कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर दो तो यहाँ से ये 48x-24y तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। कोई मुश्किल काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, एक कर्व दे दिया उसका स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x=0 पर फाइंड करना है हमने, x=0 पर। गिवन कर्व है तो इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx 4x साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, dy/dx एट x=0 पर कहा उसने, तो ये 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। -1/(slope of tangent) तो -1/3, तो ये था 26वां प्रश्न। 27वें प्रश्न में कहता है एक लाइन है, द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, ये लाइन इस कर्व पर किस पॉइंट पर टेंजेंट होगी। टेंजेंट मतलब पैरेलल, गिवन लाइन इज
गिवन कर्व इज इसका स्लोप निकाल दे और यहाँ से स्लोप निकाल दे टू बाय वाई लाइन एंड कर्व आर टेंजेंट दोनों के स्लोप सेम वाई की वैल्यू आ गई टू व्हेन वाई इक्वल टू टू देन बाय फर्स्ट तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 यानी कि 1 इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फर्स्ट में ही पुट करना वाई की वैल्यू को। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था, एक्सरसाइज 6.3। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, अगली एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे हम। आज के लिए बस इतना।